और गाइस यहाँ पे बाइक को थोड़ा सा खींचते हैं, देखते हैं इसका पावर कैसा है, इसका स्पीड वगैरह कितना जाता है, चलो चेक करते हैं। भाई साहब क्या मजा आ रहा है यार ऐसे कॉर्नरिंग मारने में बाइक पे, और इसका लाइट देख लो यार कितना ब्राइट है, पास लाइट में मार रहा हूँ, और इसका मीटर देख लो कुछ नया डिजाइन जैसा लग रहा है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसा मीटर। तो यार इतना अंधेरा है यार क्या ही बताऊँ, ऊपर पे है गाड़ी अभी देख लो ऊपर, आइए गोप्रो पे अच्छा सा दिख पाए, और जंगल वगैरह भी है यार डर लगता है। हे गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं नवीन कैलाश और आप देख रहे हैं कैलाश मोटर ब्लॉग, आई होप आप सब ठीक होंगे अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्पोंसर एन से स्टार्ट हो रहा है, और मैं अभी जा रहा हूँ लेड़ा, वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स का घर है और वहाँ पे कीर्तन है, मजा आने वाला है गाइस, और RS बाबू भी वहाँ पे है, तो मैं RS बाबू का बाइक लेके जा रहा हूँ अभी। मैं यहाँ क्या कर रहा है, क्या मस्त चल रहा है यार इसका बाइक, बहुत स्मूथ है, पता ही नहीं चल रहा गाड़ी कितने गियर पे चल रहा है, बहुत स्मूथ है यार, मक्खन की तरह है। तो यहाँ से गए 30-40 किलोमीटर दूर है लेड़ा, तो वहाँ पे RS बाबू उतर जाएगा, वो संबलपुर गया है कार से गया है, तो वहाँ पे उसको मैं पिकअप कर लूँगा, और मज़ा आने वाला है आज का ब्लॉग, देखते हैं इवनिंग राइड भी हो जाएगा मेरा, आज अकेले जा रहा हूँ मैं। गाड़ी चलने में बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है यार, इतना स्मूथ किया यार गाड़ी में, फैन हूँ जितना भी गाड़ी चलाया हूँ आज तक इससे ज़्यादा स्मूथ है फील नहीं किया हूँ। इनफैक्ट मेरा बाइक आती 390 हो तो बहुत वाइब्रेशन करता है, मतलब उतना भी वाइब्रेशन नहीं करता है, इससे मुकाबले अगर इसको राइड करोगे और उससे शिफ्ट होगे तो भाई वो तो बहुत रोड रोलर जैसा लगेगा। RC 390 ये बड़ी स्मूथ है, बहुत मक्खन की तरह चल रहा है यार गाड़ी, ज़बरदस्त है यार पल्सर, इसमें स्लीपर क्लच वगैरह नहीं आता, लेकिन अभी मैं देखो डाउनशिफ्ट कर रहा हूँ, कुछ पता भी नहीं चल रहा है, झटका भी नहीं मार रहा है, ये देखो अभी मैं गियर भी डाला, बहुत अच्छा है, गियर शिफ्टिंग भी कुछ इशू भी नहीं है, आवाज़ भी नहीं आ रहा है इस बाइक से, बहुत स्मूथ चल रहा है गाड़ी, ज़बरदस्त है, और हॉर्न भी बहुत लाउड है, अच्छा खासा लाउड है। और गाइस यहाँ पे बाइक को थोड़ा सा खींचते हैं, देखते हैं इसका पावर कैसा है, इसका स्पीड वगैरह कितना जाता है, चलो चेक करते हैं। बहुत अच्छा है यार, 100 तक इजिली क्रॉस कर जाता है, उसके बाद थोड़ा सा इसको जर्क महसूस होता है, जैसे इसका इंजन में बहुत ज़्यादा अनलोड हो, गाड़ी तो 100 तक अच्छे से क्रॉस करता है, उसके बाद 100 से थोड़ा सा गाड़ी जितने में दिक्कत होता है, क्योंकि उसका इंजन में छोटा इंजन है तो इससे लोड पड़ता है गाड़ी का, इंजन का वाइब्रेट बहुत ज़्यादा होता है, वाइब्रेट मतलब गाड़ी ऐसा वाइब्रेट नहीं होता है, लेकिन उसका फुटपेस वगैरह थोड़ा सा वाइब्रेट होता है टॉप एंड पे, और ये गाड़ी इजीली 120 तक क्रॉस कर गया था, और भी जाता थोड़ा सा और 10-12 के पे तो चला जाता इजीली गाड़ी, 130 तो क्रूज करता है ये गाड़ी, तो गाड़ी तो बहुत अच्छा है यार, उसके प्राइस के हिसाब से देखोगे तो 1,53,000 1,53,000 पड़ा था ये गाड़ी हमको, तो उसके प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छा गाड़ी है, आप बाय करो इसको, चलाओ भगाओ यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, माइलेज वगैरह भी इसका बहुत अच्छा है, और देख लो इसका मीटर वगैरह, और इसका लाइट देख लो यार क्या ही मस्त लगता है, रात में देखते हैं इसका विजिबिलिटी कैसा प्रोवाइड करता है ये बाइक, रोशनी तो ज़बरदस्त है, देखते हैं इसका रात में, और थोड़ा अंधेरा आने दो, अंधेरा होगा तो और मज़ा आएगा। तो गैस में पेट्रोल डाल चुका हूँ थोड़ा बहुत अपने बाइक पे, और अभी मैं जा रहा हूँ लेड़ा, बड़वाल में पहुँच गया हूँ, और यहाँ से बोल रहे थे 20 किलोमीटर के अंदर है शायद, और लेड़ा से भी गैस दूर है थोड़ा सा, 5-6 किलोमीटर दूर है,
मुझे भी पता नहीं, पेंट को शायद पता होगा और वो लेड़ा पे मेरे को इंतज़ार कर रहा होगा। देखते हैं मैं पहले पहुंचता हूँ या वो पहले पहुंचता है, मुझे भी पता नहीं है। फ़ोन करेगा, देखते हैं कितने दूर है। और गाइस शाम हो चुका है यार, और डर लगता है शाम होता है तो मेरे को सबसे, तो गाइस रात में अंधेरा में डर लगता है राइडिंग करने में। कुछ दिखता वगैरह नहीं है ना, ऐसे लोग आँख में लाइट मार देते हैं तो दिक्कत होता है वही। गाड़ी तो गाइस मज़ा आ गया यार इसको चला के यार। इसका अगर हायर सी सी निकलता है यार, इसका तो एन 250 है यार, उसमें तो बहुत ज़बरदस्त पावर होगा शायद। यू एन 160 ऐसा दौड़ रहा है तो 250 तो बहुत ही अच्छा दौड़ता होगा। उसको भी एक बार चला के देखेंगे। गाड़ी गाइस इतना स्मूथ है यार, क्या ही बोलूँ यार। अगर आप इसको सोच रहे हो बाइक करने की तो आँख बंद करके जाओ यार, बाइक करो ये वाला बाइक। थोड़ा बहुत आपको ये पावर अंडर पावर फील होने देगा। तो देखो गाइस मैं तो 80-90 ऑन करता हूँ तो मेरे को ये अंडर पावर लग रहा है। अगर आप बिगिनर हो तो ये वाला बाइक आपको आपके लिए मैं सजेशन करूँगा। ये वाला बाइक बेस्ट बाइक है, आप जाओ डेफिनेटली बाइक। और किसी का सोचो नहीं यार, किसी के बाइक की तरफ मत जाओ। इतना स्मूथ है यार ये वाला गाड़ी, क्या ही बोलूँ यार, मक्खन की तरह है। और इसका लाइट देख लो यार कितना ब्राइट है, पास रेक में मार रहा हूँ। तो गाइस मैं जुनाडी चौक पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर मैं कुछ पानी पीने वगैरह खाऊँगा। मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है और मेरा फ्रेंड आ रहा है, अभी तक आया हुआ नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे खाना वगैरह खा लेते हैं। ऐसा बहुत टाइम हो चुका है यार, 1 घंटा वेट किया भाई, कैसा वेट किया मुझे पता है यार 1 घंटा। और काफ़ी रात हो चुका है यार, और देखते हैं कितने टाइम में पहुँचते हैं हम लोग। यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 4-5 किलोमीटर दूर है। और मेरा फ्रेंड्स को रास्ता पता है, मुझे मालूम नहीं है कहाँ कहाँ लेके चलता है, कौन सा रास्ता है, देखेंगे। और काफ़ी रात हो चुका है तो मैं रोड भी नहीं पहचान पाऊँगा रात को। कहाँ से जाएंगे यहाँ से? राइट साइड ना, तो कहीं जाने हम लोग राइट साइड जाना पड़ रहा है। और ये क्या क्या कुछ लिखा हुआ है दिख भी नहीं रहा है रात को। तो गाइस रास्ता देख लो यार, इतना अंधेरा है यार, क्या ही बताऊँ। रिपर पे है गाड़ी अभी देख लो अपर, आई होप गोप्रो पे अच्छा सा दिख पाए। और जंगल वगैरह भी है यार, डर लगता है ऐसे रास्ते पे, ऐसे सुनसान रास्ते पे कोई अगर आपको रोकने की कोशिश कर रहा है तो आप बिल्कुल भी मत रुकिएगा। यहाँ पे देख लो कैसा रास्ता है, टर्निंग वगैरह भी है। और डर लगता है यार ऐसे रास्ते में राइट मारने में सबसे ज़्यादा मेरे को। अरे बाप रे कितना बड़ा टर्निंग है, देख लो दिख भी नहीं रहा है। अगर आप दबा के आ रहे हो तो सीधे घुस जाओगे। ये देख लो पहाड़ भी है यार साइड साइड में, ठंडा भी लग रहा है। तो ऐसे रास्ते में कोई अगर आपको रुकने की कोशिश करे तो आप बिल्कुल भी मत रुकना यार, डेंजरियस है। लिफ्ट वगैरह मांगे तो मत देना। गाइस फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं लड़ा पे, और यहाँ से राहुल भाई के घर।